डियर फैकल्टी मैंबर्स, बहुत सारे टीचर फैकल्टी मैंबर्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेंदे है, उन्होंने एक डाउट रहता है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अटेंडेंस किमें ली जाएगी ते अटेंडेंस आप किमें मेनटेन कर सकते हैं। तो मूडल एक यह प्लेटफॉर्म है जिदे आप अटेंडेंस का एक मॉड्यूल है जिदे थ्रू आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मेनटेन भी कर सकते हैं, अटेंडेंस आप दर्ज भी की जा सकती है। सो ये सारा काम मूडल दे विच किवें हुंदा है, अपना इस लैक्चर का विषय जो है वो यही है कि मैनेजिंग अटेंडेंस इन मूडल। सो आप स्टार्ट करांगे, सब तो पहला तो अपने फैकल्टी के अकाउंट के विच, तो जो भी तुहानू अकाउंट मिलिया होया है तुसीं अपने अकाउंट नू लैके उन्हों लॉगिन करना। उस लॉगिन के विच तुसीं जदों लॉगिन कर जाओगे जो तीस ये लॉगिन कर गए, लॉगिन करने तो बाद अपने कोर्स के जाना है। जिमें तुम अपने कोर्स के जाओगे सब तो पहला टर्न एडिटिंग ऑन वाला बटन क्लिक करना है। टर्न एडिटिंग ऑन करते ही थोड़े को एडिटिंग मोड के विंडो आ जाएगी। इस विंडो के पहले नंबर से ही तुम पहले अपने सैक्शन के एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स नाम का जो लिंक क्रिएट होएगा उस लिंक से क्लिक करना है। इस लिंक से क्लिक करते ही एक्टिविटीज के अंदर सैकेंड नंबर से तुम दिखेगी आटो अटेंडेंस। तो आटो अटेंडेंस का मॉड्यूल है जिहड़ा कि आप यूज करांगे आटोमैटिकली अटेंडेंस नूं कवर करने लिए। अटेंडेंस नूं लैण दे तीन तरीके इस मॉड्यूल के अंदर हैं। पहले तरीके दे विच आटोमैटिक है। आटोमैटिक का मतलब की है कि जदों सिस्टम नूं सैटअप कर दिता तो ज्यों ही कोई स्टूडेंट उहदे विच लॉगिन करेगा, ज्यों ही स्टूडेंट अपने अकाउंट के लॉगिन करेगा उसकी अटेंडेंस अपने आप लग जाएगी। तो इस केस के विच स्टूडेंट नूं सिर्फ लॉगिन करन की जरूरत है, सिस्टम आटोमैटिकली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसकी अटेंडेंस लगा देगा। सैकेंड जिहड़ा ऑप्शन ये बनती है दैट इज़ अबाउट सैमी आटोमैटिक। इन सैमी आटोमैटिक मोड जो तुम सिस्टम के अटेंडेंस सैट कर दी तो स्टूडेंट को एक बटन दिखेगा, स्टूडेंट को वह बटन दबाना होएगा। जब तक वो बटन प्रेस नहीं करेगा तद तक उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो एक बार स्टूडेंट ने वो बटन प्रेस कर दिता तो नाल दी नाल सिस्टम उसकी अटेंडेंस लगा देगा। तीसरा मोड अपना मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड के विच स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना, टीचर अपने लैवल से अटेंडेंस नू फिल करेगा। सो बेस्ट तो यही है मेरे हिसाब नाल कि आप सैमी आटोमैटिक मोड के विच लिए कि स्टूडेंट अपने अकाउंट के विच लॉगिन करेगा, लॉगिन करने तो बाद वो अटेंडेंस बटन के उपर क्लिक करेगा। सो सब तो पहले तो आप अपने अटेंडेंस मॉड्यूल नू ऐड करना है। अटेंडेंस मॉड्यूल नू ऐड करने वास्ते जो खब्बे पासे तुहाडा मेनू दिख रहा है सब तो पहला ये इतने ऐड अ ब्लॉक की ऑप्शन आती है, तुम उस ब्लॉक नू ऐड करना है। सब तो पहला तो आप ब्लॉक नू ऐड करांगे। ब्लॉक नू ऐड करन लई तुम ये जाओगे आटो अटेंडेंस ब्लॉक है तो इस ब्लॉक के उपर तुम सिलेक्ट करना है। तो तुम देखोगे इतने आटोमैटिकली एक आटो अटेंडेंस ब्लॉक मेरा क्रिएट हो गया। तो इस ब्लॉक के अंदर तुम अटेंडेंसिस क्रिएट कर सकते हो। हुण स्टूडेंट वास्ते आपां नूं एक्टिविटी ऐड करनी पेगी। अगेन ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स के उत्ते जाके तुसी अपने अटेंडेंस वाली एक्टिविटी नू ऐड कर लेना। सो ये दो स्टेप प्रोसैस हो गया। ये दो चीज़ा ने, एक तो अटेंडेंस ब्लॉक है, एक अटेंडेंस एक्टिविटी है। तुहानू दोनों चीज़ों नू ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों चीज़ा मिलकर आपस दे विच काम कर सकन। तो कल अटेंडेंस एक्टिविटी नाल भी गल नहीं बननी, कल अटेंडेंस ब्लॉक के नाल भी अपनी गल नहीं बननी। तो तुसी ब्लॉक और एक्टिविटी दोनों नू ही ऐड करना है। जब आप एक्टिविटी ऐड करांगे तो आप इतने एक्टिविटी का नाम देना है। यदा नाम कुछ भी रखा जा सकता, मैं इतने अटेंडेंस रख लिया। तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख देंगे कि मार्क योर अटेंडेंस हेयर। तो इस लाइन में मैं थोड़ा जहा बोल्ड करना चाह रहा तो मैं उपर मेन्यू के हैडिंग सिलेक्ट कर लाँगा। इनू सिलेक्ट करके आप रैड कलर के मार्क कर देंगे। रैड कलर के मार्क करने तो बाद इतने नीचे ऑप्शन आती है डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज। तो जे तुसी इस चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो ये जो आपां लिखा है मार्क योर अटेंडेंस हेयर ये तुहानू कोर्स पेज के ही स्टूडेंट देख सकेगा। स्टूडेंट को यह चीज़ काफ़ी बोल्ड दिखेगी। उस तो बाद कुछ होर ऑप्शन है इन दे विच सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जिहड़ी कि है बैकअप ऑफ अटेंडेंस डाटा। ये जरूर सिलेक्ट कर लो, बाकी सारिया चीज़ा ऑप्शनल है। तुसी उन्हां नूं छड्ड भी सकते हो, जो जो डिफॉल्ट सैटिंग है तुसी उन्हां नूं रख सकते हो। तो इस तों बाद तुसी होर कोई सैटिंग करने की जरूरत नहीं है, इनू सिर्फ सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। हुण ये तुहाडे कोल देखो इत्थे अटेंडेंस का एक मॉड्यूल मेरे को ऐड हो गया।
इस नूं मैं ड्रैग करके किसी भी पोजीशन ते सैट कर सकता, मैं इनू ड्रैग करके सब तो पहले नंबर ते लाता। तो आ जिहड़ा इत्थे मार्क यूअर अटेंडेंस हेयर आपां उत्थे लिखिया सी, उह तुहानूं देख तुसीं देख सकते हो इत्थे उह काफ़ी बोल्ड दे विच विजिबल हो रहा है। तो ये एक अटेंडेंस एक्टिविटी स्टूडेंट वास्ते ऐड हो गई। हुण आपां अपना क्रिएट करना अटेंडेंस का सैशन, तो उहदे वास्ते अटेंडेंस अटेंडेंस ब्लॉक के अंदर जाके तुसीं अटेंडेंस नूं सिलैक्ट करना है। तो जदों तुसीं इत्थे अटेंडेंस नूं सिलैक्ट करोगे तो एक नवा पेज ओपन होएगा जिथे तुसीं अपने सैशन क्रिएट कर सकते हो। तो एक क्लास के मल्टीपल सैशन होंगे है, तो सैशन का मतलब की है कि एक क्लास, फॉर एग्जाम्पल जो मैं पहला लैक्चर लिया, फिर दूसरा लैक्चर लिया, फिर तीसरा लैक्चर लिया, तो हर लैक्चर जो है मेरा एक सैशन बन जाता है। तो इतने उपर टॉप के उपर मैन्यू बनया हुआ, इस मैन्यू के सब तो पहले आप सैशन में ऐड करा। तो मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से जिम्मे मेरा टाइम टेबल बनया है, फॉर एग्जाम्पल सब तो पहली ऑप्शन है तुम सिंगल सैशन भी क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल सैशन भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इतने तुम मैथड में सिलेक्ट करना, जिम्मे मैं पहला भी दसिया तीन मैथड है अपने को, आटोमैटिक मैथड है, सैमी आटोमैटिक मैथड है और मैनुअल मैथड है। तो डिफॉल्ट सैमी आटोमैटिक से सैट है, तो मैं भी यही रिकमेंड करा कि तुम अपना सैमी आटोमैटिक मोड में ही सिलैक्ट करो। बाकी तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो फैकल्टी मैंबर, जो किसी आटोमैटिक मैथड सूट करता है या जो किसी मैनुअल मैथड सूट करता है तो अकॉर्डिंगली अपना उस मैथड में यूज कर सकता है। दैन अपने को स्टार्ट डेट, कि स्टार्ट डेट की है, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 तरीक तो अपने लैक्चर शुरू करने हैं, उस तो बाद एंड डेट की है कि मेरे लैक्चर जोड़े हैं 3 तरीक तो लैके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो दिसंबर के आप ला लें कि चलो 15 दिसंबर तक मेरा सैशन चलेगा, तो मैं 15 दिसंबर तक के अपने लैक्चर जोड़े हैं वो मैं क्रिएट कर लाँगा। तो टाइम टेबल मेरे लैक्चर सपोज मंडे न है, फिर मेरा लैक्चर वैडनसडे है, दैन थर्सडे है, दैन फ्राइडे है। तो 4 लैक्चर मेरे को है, तो उन्होंने 1 लैक्चर पर वीक पीरियड जो इन आप बाय डिफॉल्ट 1 ही रखा। दैन उस तो बाद स्टार्ट टाइम लैक्चर किन्ने बजे है, लैक्चर मेरा 3 बजे तो शुरू होकर 4 बजे तक है, सपोज 3 बजे तो शुरू होकर, और ड्यूरेशन जी है वह 30 मिनट्स की है, 45 मिनट्स की है, जिन्ना भी तुम्हें इनू रखना है, ज 1 आवर की है, तो 1 आवर का ड्यूरेशन आप रख लाँगे। और स्टार्ट टाइम 15 आवर, 15 मीनस 3 शाम के 3 बजे तो लैके 4 बजे तक 1 घंटे का मेरा लैक्चर होएगा। और उस तो बाद अटेंडेंस का कीवर्ड, जदों स्टूडेंट ने बटन प्रेस करना है तो वो उसनू एक कीवर्ड पता होना चाहिए। एक कीवर्ड इतने रैंडमली भी जनरेट कर सकते हो तुसी, या तुसी कोई अपना कीवर्ड भी रख सकते हो। तो जदों बटन प्रेस करेगा उन्हूं वो पासवर्ड पूछेगा सिस्टम, जे स्टूडेंट वो पासवर्ड दसेगा तो सिस्टम उसकी अटेंडेंस लगाएगा, अदरवाइज उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो जे तुसी कोई भी कीवर्ड नहीं रखना तो इस बटन नूं तुसी अनचैक कर दो, रैंडम की नूं भी अनचैक कर दो, इनू भी खाली रहन दो, इत्थे कुछ नहीं रखना। दैन उस तो नैक्सट ऑप्शन है अलाउड आई पी, इहदे विच की है कि बहुत सारे बच्चे कई बार इदा हो सकता है कि इको कंप्यूटर तो जिहदा कि सेम आई पी अड्रैस होएगा अलग अलग अकाउंट्स के लॉगिन करके उन्होंने किसी दूसरे बच्चे की अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो जे आप इतने अलाउड आई पीज की लिस्ट इतने लिख दीए तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वह बच्चा सिर्फ उस आई पी अड्रैस तो ही लॉगिन करेगा तो अपने उस आई पी अड्रैस तो पासवर्ड भरेगा। तो तुम इस बाय डिफॉल्ट खाली रहन दो, क्योंकि आप वाली ऑप्शन बच्चों के उत्ते रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब न। तो उस तो बाद डिनाई सेम आई पी, ये जरूर तुम कर लो कि एक बच्चा जिहड़ा कि एक कंप्यूटर तो अटेंडेंस लगा रहा है, दूसरा बच्चा सेम कंप्यूटर तो अटेंडेंस नहीं लगा सकेगा। तो यदा मतलब की है कि एक बच्चा 2 जने की अटेंडेंस नहीं लगा सकेगा इस तरह करने। तो आप डिनाई सेम आई पी को सिलेक्ट कर लाँगे। उस तो बाद सिंपल ऐड सैशन तुम क्लिक करना है, जो ही तुम सैशन ऐड करोगे तुम मैसेज आ गया, देखो सैशन सक्सैसफुली जनरेटेड। हम तुम सैशन के जाके देखोगे तो अपने को देखो सारे सैशन क्रिएट हो गए। तो इनिया क्लासे तुम ऑलरेडी जनरेट कर लिया, तुम हम सिर्फ इन्ह क्लासे के अटेंडेंस लगानी है। तो इन्ह क्लासे के अटेंडेंस लगाने के तुम देखो तरीके जो है आटोमैटिक है और कीवर्ड के कुछ नहीं है, खाली है। तो एक हले आप कोई भी कीवर्ड नहीं सी रखे यदा, ठीक। तो इस केस के इतने एक रैड बटन है जोड़ा कि अटेंडेंस लैन वास्ते है, उस तो बाद एक अपने को छोटा जहा आइकन है जोड़ा कि एडिट करने वास्ते सैशन में, जो तुम एडिट करना है, ये कोई चेंज करनी है तो तुम एडिट सैशन के अंदर जाके चेंज कर सकते हो। तो इतने तुम रैड बटन पर क्लिक करोगे तो तुम अटेंडेंस मोड के आ गए।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਏ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਐਬਸੈਂਟ, ਐਲ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਲੀਵ ਐਂਡ ਈ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਐਨ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਨੋਟ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਲੋਡ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖੇਗੀ, ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲਗਾਈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾਏ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਅਰਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।